रुद्रपुर के काशीपुर रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम के बाहर क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन के 3 वाहनों ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से एसी के कंप्रेसर, इन्वर्टर और मेन स्विच जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि बाजार स्थित इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने से मेन स्विच, इन्वर्टर और एसी के कंप्रेसर जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि फायर की 3 वाहनों ने आग को विकराल होने से पहले ही बुझा दिया। हालांकि अग्निशमन की टीम का नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है। सूचना पर विधायक, एसएसपी मंजुनाथ टीसी, एसपी क्राइम अभय सिंह भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर ने बताया कि 3:30 बजे सूचना मिली थी कि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगी हुई है, जिसके बाद तत्काल मौके पर 3 वाहनों के साथ टीम को भेजा गया और 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि आग जो है इनके विद्युत मीटर जहां है स्विच बोर्ड वहां से शुरुआत हुई। ये नेचुरल है, शॉर्ट सर्किट की। और जैसे ही सूचना मिली हम लोग स्टेशन से 3 गाड़ी इकट्ठी भेजवाए और भेज करके तुरंत फायर फाइटिंग आरम्भ की गई। और जैसा कि देख रहे हैं कि दूसरी तीसरी मंजिल पर जो है आग थी और उसको 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने कंट्रोल करते हुए बुझवा लिया।